अगर आपको डिटेक्टिव या जासूसी चीजें पढ़ने और देखने का शौक है तो आपने शर्लक होम्स का नाम तो जरूर सुना होगा। शर्लक होम्स सर आर्थर कोनन डॉयल द्वारा निर्मित एक फिक्शनल कैरेक्टर है जिसे द मास्टर डिटेक्टिव भी कहा जाता है। तो आज इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जिसे अगर आप अपने डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप भी शर्लक होम्स की तरह ही सोच पाएंगे और उसी की तरह से उसी की पर्सपेक्टिव से चीजों को ऑब्जर्व भी कर पाएंगे। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रणब एंड दिस इज द बोरिंग सुपर हीरो। अगर आपने शर्लक होम्स की मूवीज या सीरीज देखी है तो आपने ये जरूर देखा होगा कि कैसे शर्लक किसी भी इंसान से मिलने पे उसे टिप टू टो ऑब्जर्व कर लेता है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करता है। सीधी बात करें तो शर्लक हमेशा माइक्रो चीजें ऑब्जर्व करता है जो कि नॉर्मल आंखें अक्सर मिस कर जाती हैं। बट अगर आपको अपने दिमाग को शर्लक की तरह तेज करना है और उसकी तरह स्मार्ट बनना है तो आप डायरेक्टली उन माइक्रो चीजों को ऑब्जर्व करने से शुरू नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा एज ए बिगिनर। बल्कि एज ए बिगिनर जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आप शुरुआत मैक्रो ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करने से कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी के घर पर जा रहे हैं तो आप ये ऑब्जर्व कीजिए कि उनके कर्टन्स का कलर क्या है, उनके टेबल, सोफा या टीवी की पोजीशंस क्या है वगैरह वगैरह। और जब आप एक रेगुलर बेसिस पे इन मैक्रो ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करने लगेंगे तो आप इवेंचुअली इसमें एक्सपर्ट बन जाएंगे और फिर आप मैक्रो से माइक्रो ऑब्जेक्ट्स पे स्विच कर सकते हैं। हम ह्यूमंस एज ए होल एक कम्युनिटी स्पीसीज हैं जिसका ये मतलब है कि हमारा इवोल्यूशन ग्रुप्स या सोसाइटी में रहने के लिए हुआ है और जितने भी ग्रुप्स में रहने वाले क्रिएचर्स हैं उनमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है ट्रस्ट। हम ह्यूमंस का इवोल्यूशन ही ऐसा हुआ है कि हम व्हाई या क्यों का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करते हैं। हमारे अंदर ट्रस्ट एक इनबिल्ट प्रोग्राम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका दोस्त आपसे कहे कि चल घूमने चलते हैं तो आप फट से पूछेंगे कहाँ जाना है। बट अगर वही दोस्त आपको कुछ खाने के लिए ऑफर करे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप कभी नहीं पूछेंगे कि क्यों खाऊं। दूसरी तरफ शर्लक होम्स ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके साथ कुछ भी हो जाए या कोई भी उसे कुछ भी बोल दे तो जो सबसे पहले उसके दिमाग में आता है वो है व्हाई, ऐसा क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों कहा। अगर आपको भी अपने दिमाग को शर्लक की तरह तेज करना है और उसके जैसे स्मार्ट बनना है तो आपको भी अपने डे टू डे लाइफ में व्हाई शब्द का इस्तेमाल शुरू करना चाहिए। अब अगर हम ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में बात कर ही रहे हैं तो उसमें यह भी एक फैक्ट है कि हम ह्यूमंस एक वक्त पर अपने पांचों सेंस ऑर्गन्स का इस्तेमाल कभी नहीं करते हैं। जी हाँ, हम ह्यूमंस अक्सर एक ही सेंस ऑर्गन का इस्तेमाल एक वक्त पर कर सकते हैं और बाकी के ऑर्गन्स बैकग्राउंड में सबकॉन्शियसली काम करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप टीवी देखते देखते या किसी चीज़ को ध्यान से देखते देखते खाना खा रहे हैं तो इसकी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपका ध्यान उस खाने के टेस्ट पर नहीं जाएगा। अब शर्लक होम्स ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो हर वक्त अपने पांचों सेंस ऑर्गन्स को एक्टिव रखता है। अगर आप उसे एक सिंपल पीस ऑफ पेपर भी दे दें तो वो पहले उसे देखेगा, फिर सुनने की कोशिश करेगा, फिर स्मेल करेगा, फिर फील करेगा और फाइनली टेस्ट करेगा, जिसकी वजह से उसे उस तरह की भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो नॉर्मल आँखें अक्सर मिस कर जाती हैं। हाँ, मैं जानता हूँ कि ये बहुत ही वियर्ड और हार्ड है डेली लाइफ में प्रैक्टिस करने के लिए, बट मैं फिर भी एक बार आपको इंसिस्ट करूँगा कि आप इस मेथड को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। क्या पता आप ही नेक्स्ट शर्लक होम्स बन जाएं। शर्लक होम्स की कई अजीब बातों में से एक है उसका माइंड पैलेस। अब यह माइंड पैलेस और कुछ नहीं बल्कि एक इमेजिनरी लाइब्रेरी है शर्लक के दिमाग के अंदर। जी हाँ, और इस लाइब्रेरी में शर्लक की सारी मेमोरीज स्टोर रहती हैं और शर्लक इस लाइब्रेरी का इस्तेमाल तब करता है जब वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। तो शर्लक जैसा बनने के लिए जो फाइनल एडवाइस मैं दे सकता हूँ वो ये है कि आप भी अपने खुद का माइंड पैलेस बनाइए और डेली एटलीस्ट वंस वहाँ विजिट जरूर कीजिएगा। प्रोसेस सिंपल है, बस करना यह है कि
हर रात सोने से पहले किसी शांत जगह पर जाइए, अपनी आंखें बंद कीजिए और याद करने की कोशिश कीजिए हर छोटी से छोटी घटना को जो कि उस दिन भर में आपके साथ हुई है। अब ऐसा करने से आप ना सिर्फ शर्लक होम्स की तरह स्मार्ट बन जाएंगे बल्कि एज ए बोनस आपकी मेमोरी पावर भी बहुत बढ़ जाएगी टू द लेवल जो कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो गाइज ये थे चार ऐसे टिप्स जिन्हें अगर आप लॉन्ग टर्म में फॉलो करते हैं तो आप भी डेफिनेटली शर्लक होम्स की तरह स्मार्ट बन सकेंगे। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिएगा। और आपको ये एपिसोड कैसा लगा और क्या आप इन टिप्स को फॉलो करने वाले हैं ये आप मुझे ज़रूर बताइए, या तो कमेंट सेक्शन में या मेरे इंस्टाग्राम पेज पर। अब मैं आपसे मिलूंगा अगले एपिसोड में, और तब तक के लिए अच्छा कंटेंट देखिए, उनसे लेसन सीखिए एंड बी द बोरिंग सुपर हीरो।